तीन काले कानून ला करके किसान को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा गया और आज अब युवाओं को गुलाम बनाने का, इस देश के युवाओं जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारा युवा शक्ति, और जिसको 18 साल के को मत का अधिकार देने का काम हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया, वो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। राजीव जी की माताजी हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गई। आज उनको टारगेट करके जिस प्रकार से ईडी के छापे, ईडी के नोटिस, ईडी का तीन तीन चार दिन बुलाना, ये काम रह गया है केंद्र की मोदी सरकार का। जबकि होना ये चाहिए था कि उनको मौका मिला, पहली बार उन्होंने जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए थे। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके इन्होंने दूसरी बार सत्ता हासिल की, आज उस सेना को भी नहीं बख्शा, किसी से कोई चर्चा नहीं की, देश के एक व्यक्ति को भी इसके बारे में कोई पता नहीं कि किस तरह की यह योजना है। ये जिस प्रकार से चोरी छुपे पेगासस सॉफ्टवेयर लाकर के देश के तमाम लोगों की मुखबिरी कर रहे हैं, उसी तरीके से बाहर से आयात करके देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की योजनाएं लाते हैं जिससे अच्छे दिन तो क्या, बुरे से बुरे दिन आ गए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान में युवा आक्रोशित है, जल रहा है, ट्रेनें जल रही हैं। मैं अपील करना चाहूंगा देश के युवा साथियों से, प्रदेश के युवा साथियों से, हमारे राजस्थान में भी भारी आंदोलन, युवाओं में आक्रोश और जगह जगह धरने प्रदर्शन, रेल रोको और बसें रोकना, रोड जाम करना, ये आक्रोश में कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं भाग लें हिंसा के कार्यों में, और आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें। देश के युवा के साथ में हम सब, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज हम साथ में खड़े हैं। आज देखिए, चार दिन से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है, आपस में बातचीत नहीं करने दी जा रही है, उसके बाद में आज जब मुख्यमंत्री जी वहां दिल्ली में थे तो अचानक सीबीआई को उनके भाई, बड़े भाई अग्रसेन जी के भेज करके और छापा डाल करके डराने का काम ये केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अब इस देश के लोगों को यही देखना बाकी था कि आपातकाल घोषित नहीं करते हुए भी